नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। आज हम बात करेंगे उस वायरल तस्वीर के बारे में जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम मशीन की चोरी की गई थी। इस वायरल तस्वीर में यह लिखा गया है कि नीतीश जाएंगे जेल, मोदी आयोग चोर है। देश में पिछले कई चुनाव में यह देखा गया है कि हारने वाली राजनीतिक पार्टियों ने ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। बिहार में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी इस तरह की एक तस्वीर सामने आई है जिसमें राजद ने चुनाव अधिकारियों पर हेराफेरी का आरोप लगाया है। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें एक आदमी हाथों में बड़े बॉक्स पकड़े किसी सुनसान रास्ते से जाता दिखाई दे रहा है। उस तस्वीर को देखने से लग रहा है कि यह बॉक्स ईवीएम है। वायरल हो रही तस्वीर में यह बताया जा रहा है कि यह आदमी ईवीएम चोरी करके कहीं ले जा रहा है। इस वायरल पोस्ट के जरिए नीतीश कुमार और चुनाव आयोग के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। जब इस वायरल तस्वीर की पड़ताल की गई तो पता चला कि वायरल पोस्ट गलत है, भ्रामक है। यह तस्वीर 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के समय की है। तस्वीर में दिख रहा है व्यक्ति एक चुनाव कर्मचारी है। तस्वीरें उस समय खींची गई जब ये व्यक्ति चुनाव के दौरान दूरदराज के इलाकों में स्थित पोलिंग स्टेशन जा रहा था। जो तस्वीर वायरल हो रही है उसमें लोग लिख रहे हैं कि ईवीएम की होगी जांच, नीतीश जाएंगे जेल, पूछता है युवा, पूछता है बिहार, ईवीएम चोरी करके कहां ले जा रहा है, मोदी आयोग चोर है। इस भ्रामक पोस्ट को फेसबुक और ट्विटर पर धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। ट्विटर पर यह पोस्ट 12 नवंबर की रात को 12 बजे राष्ट्रीय जनता दल सिवान नाम के आईडी से पोस्ट किया गया है। जब इस तस्वीर को इंटरनेट पर सर्च किया गया तो हमें डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस रायगढ़ नाम से एक अकाउंट से ट्वीट मिला जिन तस्वीरों को लेकर ईवीएम चोरी का दावा किया जा रहा था। ये दोनों तस्वीरें उसी ट्वीट में मौजूद थी। आपको बता दें कि ये ट्वीट 28 अक्टूबर 2019 को शाम में की गई थी। इस तस्वीर को चुनाव कर्मचारियों की तारीफ करते हुए ट्वीट की गई थी। महासाइब्रल को यह तस्वीर टैग किया गया था। इस तस्वीर के साथ मराठी भाषा में लिखा गया था कि कर्मचारी कलक राई जैसे दूरदराज के इलाकों में स्थित पोलिंग स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। कलक राई महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक जगह है। आपको बता दें कि साल 2019 में 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी और यह तस्वीर भी उसी दिन की है। यहाँ यह साबित होता है कि वायरल पोस्ट भ्रामक है। यह तस्वीर एक साल से ज्यादा पुरानी है और इसका बिहार विधानसभा चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। इस तस्वीर की सच्चाई यह है कि यह तस्वीर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की नहीं है, यह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 की है। इस तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहा है वो चुनाव कराने के लिए ईवीएम मशीन के साथ पोलिंग बूथ पर जा रहा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।